नमस्कार आदाब, मैं जहांगीर लखनऊ से। आज बात करेंगे दलबंधु नेताओं की। हालांकि जिस पार्टी की आने की सरकार में संभावना होती है, नेताओं भी लगातार उस पार्टी में संपर्क करते हैं और उसी में अपना कैरियर ढूंढते हैं, उसी को लेकर जनता से जानते हैं जो दलबंधु नेता है उन्हें इस बार क्या सबक सिखाएंगे। जो दलबंधु नेता होते हैं वो लगातार उनका ना कोई विचारधारा होती है ना उनका कोई ऐसा वो होता है जिससे वो लगातार जो सरकार आती है उसी में शामिल हो जाते हैं। आप या जनता उन्हें कैसे देखती है? जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कानून तो दल बदल पे बहुत से बने हैं और मगर वो अमल में नहीं आते, वो जमीनी उस पर नहीं छूते हैं, जमीन स्तरीय पर नहीं छूते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता भी हम ये इस तरीके का अपना एक इरादा बदले कि ये जो दल बदल के जाते हैं इधर उधर, और या जो एक बारी विधानसभा का चुनाव जीत जाता है या सांसदी का चुनाव जीत जाता है वो बस अपने आप को सर्वोसर्वा साबित करने लगता है और कहता मुझे इस बार भी टिकट दिया जाए तो भाई तुम्हारी बबौती है। ये पार्टी का अपना आला कमान का एक होना चाहिए कि हर बार हर व्यक्ति को, नए व्यक्ति को चांस देना चाहिए। उसमें जो इनकी जो तानाशाही है, एक बार दो बार तीन बार जीतने के बाद अब वो ख्वाब देखता है मुख्यमंत्री के, चार बार पांच बार अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री के सपने देखता है। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं ये दल बदल कानून जो है इस पर जनता को ही अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, इनको भी जनता को नोटिस करना पड़ेगा कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं चाहे वो सरकार में रहते हुए हो या पहले कभी उन्होंने किया हो, या जो ये रेपिस्ट है जैसे ब्रजभूषण जैसे लोग हैं और जो और भी तरह के जो ये माफियाई करते हैं, इनको भी चिन्हित करे, जनता चिन्हित करे। ये पार्टियां तो ये कह देती है ना, ये अपना पल्ला झाड़ लेती है, वो तो अभी कोर्ट में अभी उनको तो मुजरिम साबित नहीं किया, तो अगर जिसके ऊपर पांच पांच दस दस बीस बीस सौ सौ केस होते हैं उसके सारे ही केस निराधार हैं, बेकार हैं, झूठ हैं, ऐसा तो है नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो केस लिंगर ऑन होते रहते हैं, केस चलते रहते हैं और इस तरीके से नेता जो है सत्ता में आके मलाई खाते रहते हैं। तो मुझे लगता है जो ये हिस्ट्री जीता रहे, ये जितने भी माफिया टाइप के विधायक या सांसद हैं उन पर भी जनता नजर बनाए, भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों पर भी नजर बनाए, क्योंकि ये कहना कि अब ये जो है दल बदल कानून पे जनता वो सरकारें कुछ कर रही हैं, हाँ सीबीआई ने संज्ञान लिया जरूर है और मुझे लगता है कि भविष्य में सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी इस पर शायद कोई कदम उठाएं और इलेक्शन की कमीशन पर इस तरीके का दबाव बनाया जाए कि जो इनकी संपत्तियां उसके बारे में भी और इनके आचरण के बारे में भी जाना जाए, ताकि आगे से ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोका जा सके। अच्छा ये बताइए, दल बदलु नेता है वो जिसकी सत्ता में आने की संभावना उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इन्हें जनता इस बार कैसे देखती है? देखिए जनता उनको जो है छल और कपटी नेता समझती है, लेकिन मजबूरी है जनता की कि जनता जो है गुमराह हो जाती है। जनता को ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए और पार्टियों को भी इसे बचना चाहिए और इसमें एक कानून बनाया जाए कि कम से कम किसी दल में है आप तो अगर एमएलए एमपी हो चुके हैं तो कम से कम 20-25 साल तक तो वहां रहिए, ये नहीं कि हर 5 साल बाद आप बदल दीजिए, ये गलत है। और इसको जो है बदलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि जो छड़ छड़ बदल रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी समाजवादी पार्टी से जीत कर दारा सिंह चौहान जी जो है विधायक बने थे और तुरंत जो अदल बदल करके बीजेपी से फिर चुनाव लड़ने चले गए, तो ऐसे लोगों को तो जो है सरकार कानून बना के कभी चुनाव से जो है बहिष्कार कर दे कि कभी नहीं लड़ सकते हैं ऐसे लोग जो जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। आप माननीय थे, विधायक थे, आपको क्या आफत पड़ी थी या सरकार को कौन सी आफत पड़ी थी, सरकार कहां गिर रही थी कि आप जो है तुरंत छोड़ के और बीजेपी में आके और बीजेपी से फिर चुनाव लड़ने के लिए वहां चले गए घोसी में। तो ऐसे ऐसे नेताओं को चिन्हित करके इनको जो है संपत्ति की जांच हो और इन्हें जेल भेजा जाए, तब जाके दुरुस्त होगा, नहीं तो दुरुस्त नहीं होगा। लोकतंत्र में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जो हराना चाहिए जनता को, और सरकार को कानून भी बनाना चाहिए कि ऐसे नेता जो छड़ छड़ बदल रहे हैं इनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता उनसे जानते हैं जो ये दलबदलू नेता होते हैं, हालांकि होते नहीं है, अपनी सत्ता अपनी हनक बनाने के लिए जो सरकार पार्टी में आती है उसकी तरफ ये करवट ले लेते हैं, इन्हें जनता कैसे देखती है? नहीं, जनता इन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखती,
अगर भावना गलत भावना के साथ ये दल बदलते हैं तो जनता इन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखती है, जिसका उदाहरण अभी बीता घोसी का चुनाव, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी दारा सिंह चौहान को पार्टी बदलने की, लेकिन बिना किसी आवश्यकता के केवल सत्ता के साथ रहने के लिए उन्होंने दल बदल किया और जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा और उस दल को भी भुगतना पड़ा जिस दल में वो शामिल। तो क्या जनता इन्हें, हालांकि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, ना इनकी कोई विचारधारा होती है, ये अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, तो ऐसे स्वार्थियों को क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है या आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जनता इन्हें पटकनी देने की तैयारी कर रही है? अब मुझे लगता है कि घोसी का जो परिणाम आया है उसको देख करके सभी राजनीतिक दल इससे बचना चाहेंगे और बचने की कोशिश करेंगे, और नहीं बचेंगे तो परिणाम घोसी वाले ही आएंगे। क्या आप देख सकते हैं एक बहुत छोटे से चौया जो दल बदलू नेता है, तुम्हारे समाजवादी पार्टी में बहुत ऐसे नेता है जो पार्टी छोड़ के चले गए या कुछ पार्टी में आए, तो जो दल बदलू नेता है उन्हें आप इस कैसे देखते हैं? सर जो दल बदलू नेता है वो साहब पागल है, राजभर उसको जेल में बंद करना है, 24 उखाड़ कर फेंकना, राजभर का मोदी और योगी के 24 नकली सुई आगे पीएम बनेगी। कहाँ फेंक पाओगे यार, इतना बड़ा राजभर नेता उसे तुम कैसे फेंक? अरे राजभर का कोशिश ना जीतना, का हार गई ना, खाली सपना रखा ना, मंत्री बनाओ तारा सिंह के ऊपर मंत्री बनाएंगे, अरे कुछ नहीं मंत्री बनेगा, हाँ ताकत से झोंक कर पीएम बनाएगी, नया इंडिया गठबंधन। जो 2024 का इलेक्शन है, जो दल बदलू नेता होते हैं जो अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जाते हैं, हालांकि उनकी ना कोई विचारधारा होती, वो अपनी हनक मलाई खाने के चक्कर में पार्टियां बदला करते हैं, हालांकि कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पर उन्हीं को जनता फिर चुनाव जिता के ले आती है, हालांकि बहुत ऐसी जगह जो दल बदलू होने के बाद हार भी जाते हैं पार्टी छोड़ने के बाद, लेकिन इसमें जनता का क्या गुस्सा होता है या कुछ जनता उन्हें पार्टी से अपनी छवि देखती है या फिर उनका व्यक्तिगत कुछ ऐसा होता है जो जीत के चले आता है, इन्हें जनता कैसे देखती है जो दल बदलू नेता है? जो दल बदलू नेता है इन्हें जनता गिरे हुए दृष्टि से देखती है, मगर कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए जो मतलब वोट होता है तो जनता राष्ट्रीय से मोदी या योगी का चेहरा देख करके नीचे वाले इन दल बदलुओं को भी वोट दे देती है, ब्रांड चेहरा से वजह से जीती जी जी इसी वजह से वोट दे देती है, वरना ये जो दल बदलू है इनके लिए तो ये कानून बनाना चाहिए कि इनको दल बदल कर जाए तो इनके लिए फिर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं। हालांकि ये सच है कि जो दल बदलू नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, हालांकि ना उन्हें जनता से कोई फर्क है ना तो उनकी कोई विचारधारा होती है।